नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। खिंगुरा गेट गोलीकांड में बड़ी सफलता, कमिश्नरेट पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। होशियारपुर के मोहल्ला न्यू फतेहगढ़ में चोरों ने घर को बनाया निशाना, घर का कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा की ओर से भगवान विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में करवाया गया विशेष समागम। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विश ने की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रभावशाली पुलिसिंग का एक नया मापदंड स्थापित करते हुए खिंगरा गेट गोलीकांड के मुख्य आरोपी को अपराध के 12 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े के कारण शनिवार रात 8:15 बजे खिंगरा गेट इलाके में गोलीबारी की घटना घटी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में ऋषभ बादशाह की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि ईशू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। श्री स्वपन शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद पुलिस थाना डिवीज़न नंबर 3 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जाँच के दौरान पुलिस ने साहिल कपूर उर्फ मनु कपूर ढिल्लो निवासी खिंगरा गेट, जालंधर साचन सहोता निवासी किशनपुरा, जालंधर मानव निवासी भाई दित सिंह नगर, जालंधर नन्नू कपूर निवासी ईडी 74 खिंगरा गेट, जालंधर डॉक्टर कोहली निवासी खिंगरा गेट, चक्षत रंधावा निवासी जालंधर, गग्गी निवासी जालंधर, काका चाचा निवासी जालंधर और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी साहिल कपूर उर्फ मनु कपूर ढिल्लो को एक देसी पिस्तौल व 2 खाली खोखे सहित गिरफ्तार किया गया और आरोपी के खिलाफ पहले से ही 5 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तो उस केस दे विच पुलिस ने इमीडिएटली जिहड़ी हैगी कार्रवाई करते हुए जिहड़ा मेन शूटर हैगा उस केस दे विच असी थाने डिवीजन नंबर 3 दे विच एक पर्चा दर्ज किया सीगा मर्डर दे अराउंड 8 जिहड़े सीगे बाई नेम सीगे, एक उहदे च बाकी कुछ अणपछाते जिहड़े हैगे उहनां ते खिलाफ पर्चा दर्ज किया सीगा। इहदे च जिहड़ा मेन अक्यूज्ड हैगा साहिल कपूर हैगा जिन्हें फायर किया सीगा। इहदे इहनू असी इमीडिएटली जिहड़ा हैगा कुछ ही घंटे जोड़ा है मौके तो मौके के आले दुआले तो असी जोड़ा है वक् वक् टीम बना के असी गिरफ्तार कर लिया है। इस ये जरा कि एक असला जो बरामद होया है ये ही जोड़े है ये 2 एमटी शैल भी जोड़े है बरामद हुए है वो आगे असी तफ्तीश जारी हैगी। बाकी जोड़े लोग है उन्होंने फड़न वास्ते भी अक्यूज फड़न वास्ते भी असी वक् वक् टीम लाई हैगी उसी उन्होंने असी रेड करे है एंड जल्दी असी उन सारे नु इसी ते फड़ लांगे। कारण की रहा देखो जी इन्हां दा कोई आपस ते पैसे दा लेन देन जिहड़ा सी उहदे जिहड़ा प्राइम ऑफ सही ओह बताया जाएगा, बाकी तफ्तीश दा सब्जेक्ट है। मनु कपूर साहिल कपूर है, मनु कपूर दा नाम ही साहिल कपूर है। हां ओही 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 है गैंबलिंग दे नाल जुड़े। देखो जी सारा तफ्तीश दा सब्जेक्ट जलंधर और ए जलंधर गिरफ्तार बाकी ए साथी असि जो है कब है फिलहाल एक ही एक हथियार दो नहीं वो सारी तफ्तीश है सब्जेक्ट। होशियारपुर के मोहल्ला न्यू फतेहगढ़ में गत रात्रि चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों रुपयों का सामान
चोर भी कर लिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए जगतार सिंह ने बताया कि न्यू फतेहगढ़ के पास देशभक्त कॉलेज उनके ससुराल का है, जो पिछले कुछ दिनों से विदेश गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मोहल्ला निवासियों का फ़ोन आया कि उनके घर में चोरी हो गई है। उन्होंने आकर देखा कि घर का लिविंग रूम टूटा हुआ था और घर का कीमती सामान LED कैश लहंगे और अन्य सामान चोरी हो चुका था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत मॉडल टाउन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। भाई मेरा नाम जगतार सिंह है जी, तो आप लुधियाने तो जी, इतने मेरे सहुरे ने जी। तो सवेरे सानू पता लग्या सीगा भी इदा इदा गलबात हो गई, भी चोरी हो गई। असीं हुणे पहुंचे हाँ, आके देखिया वा जी, तो एक चैन सी मुंदी है जी, तो बाकी स्मार्ट वॉच सी जी, तो एक घड़ी सी बाहर दी, वाईफाई वगैरह लै गए, LCD वगैरह लै गए जी, बाकी बूफर वगैरह लै गए जी। तो एक्टिवा खड़ी सी, उहदी चाबी साडे कोल सी, उह हुण सानू कोई इक होर नवीं चाबी उहदे विच लगी मिली आ, तो वह भी लैके जानी सी, पर उहदा बचाव हो गया जी। तो नुकसान भाई हो ही गया जी, 3-4 लाख का तकरीब हो ही गया जी। बस यही मंग करते जी, बंदियां दी पहचान हुंदी पई है जी, तो आप यही मंग करते पे कि जो भी साडा चोरी होया बस सानू कार्रवाई की जाए इन्हां दी जी, साडा समान सानू मिल जाए। हाँ जी, CCTV कैमरे दे विच आए जी, और वीडियो आई है जी साफ, वाईफाई वगैरह सारा कुछ लै गए जी, मॉडम लै गए साडा। अज सुबह कंप्लेट आई सी कि न्यू फतेहगढ़ महल्ले तो कुछ बंद घर के चोरी हुई है, अननोन परसन ने चोरी की है। असी यह मौके पर आए हैं, मौके पर आ के मौका देखे सारा, और नुकसान बारे अजे परिवारक मैंबर ने स्टेटमेंट नहीं लिखी हैगी, स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई करा। बाकी CCTV कैमरे वगैरह चैक कर रहे हैं, वो कुछ चोर आ रहे, लेकिन पछाण नहीं हुई अज तक। जिदा भी परिवारक मैंबर स्टेटमेंट लगाएंगे, वो आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा की ओर से बाबा विश्वकर्मा मंदिर G12 अमन नगर विश्वकर्मा कॉलोनी में भगवान विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS KD भंडारी व समाज सेवक कांग्रेसी नेता बंटी अरोड़ा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतल विज ने बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा को इस धार्मिक आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि देश हो या राज्य, श्रमिक वर्ग के सहयोग से बिना विकास संभव नहीं है, और सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा महाराज की पूजा करने से शिल्प कला का विकास होता है। इससे पहले रखे गए श्री सुखमनी साहिब के पाठ किए गए, जिसके बाद धाटी जत्था बलबीर सिंह बिहारपुरिया ने भगवान विश्वकर्मा जी की जीवनी पर प्रकाश डालकर संगत को निहाल किया। भगवान विश्वकर्मा जी की अरदास के बाद विशाल भंडारा भी लगाया गया। इस अवसर पर चेयरमैन रविंदर सिंह जसवाल, प्रधान हुकम सिंह बिट्टू, सीनियर वाइस प्रधान लखबीर सिंह, मुख्य सचिव जतेंद्र सिंह मार्शल, सीनियर वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ST, उप प्रधान गुरमीत सिंह, मुख्य कैशियर बरिंदर सिंह संधु, सह कोषाध्यक्ष जगदीप सिंह, सह सचिव ओंकार सिंह साबी, वाइस चेयरमैन बलजीत सिंह बिट्टू, सचिव कुलवंत सिंह जसवाल, सचिव मनमोहन सिंह, सचिव ऑर्गेनाइजर अमनदीप सिंह संधू, मुख्य सलाहकार दलजीत सिंह सहित अन्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश ट्रैवला की रिपोर्ट। जालंधर के खिंगरा गेट के पास दीपावली की रात दो पक्षों में हुए विवाद के बाद देर शाम बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में अली मोहल्ला निवासी ऋषभ उर्फ बादशाह की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त ईशू गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी मनु कपूर उर्फ मनु ढिल्लो व उसके साथियों पर हत्या, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। फायरिंग के बाद आरोपी मनु का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह हाथ में हथियार लेकर फरार होता नजर आ रहा है। फायरिंग में 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से कुछ ऋषभ के पेट में लगी। गंभीर हालत में ऋषभ और ईशू को जोहल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ऋषभ की मौत हो गई। तो वहीं ऋषभ की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने होशियारपुर हाईवे को बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच हाथापाई हुई। वहीं पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के वक्त मनु का पिता भी मौके पर मौजूद था। वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर सीआई के स्टाफ और थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से गोली के खोल बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी मनु पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश भी शामिल है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਜਾਗ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਗਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦਊਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਰਾ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਕਪੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਡ ਖਿੰਗਰਾ ਗੇਟ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਯ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹਾਲ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਆਦਰਣੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀਦੀ, ਰਾਜ ਰੋਗਨੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀਦੀ, ਰਾਜ ਯੋਗਨੀ ਉੱਤਰਾ ਦੀਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋਨ ਕੇ ਕਰ ਕਮਲੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀਦੀ ਕੋ ਫੂਲੋਂ ਕਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਉਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਮ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਇਰਵਨ ਖੰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਛੁਰਾਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਚਾਵਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰਣਬੀਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਰੂਥਰਾ, DSP ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਯਾਦਵ ਖੋਸਲਾ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਭੀ ਆਦਰਣੀ ਦੀਦੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹਾਲ ਕੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਆ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਰਾਜ ਯੋਗਨੀ ਸੰਦੀਰਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗਣਮਾਨਯ ਟੀਚਰ ਬਹਿਨੋ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
शांति। आज 3 नवंबर को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आदर्श नगर में नवनिर्मित भवन में विजडम हॉल का इनोग्रेशन का कार्यक्रम रखा गया था। तो जिस कार्यक्रम में पंजाब जोनल डायरेक्टर उत्तरा दीदी जी, गुजरात गांधीनगर सेवा केंद्र डायरेक्टर कैलाश दीदी जी, इंटरनेशनल स्पीकर परमादरणीय शिवानी दीदी जी पधारे हुए थे। तो इस पावन उपलक्ष में शिवानी दीदी जी ने आए हुए मेहमानों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रहने के लिए विशेष प्रेरणाएं दी। जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने परिवार को पॉजिटिव बना सकेंगे। तो उसके लिए इन्होंने राजयोग मेडिटेशन के ऊपर विशेष फोकस कराया कि अगर हम राजयोग मेडिटेशन रेगुलर करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। तो जो ये विजडम हॉल का आज इनोग्रेशन हुआ है, इस विजडम हॉल में रेगुलर राजयोग मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के लिए रेगुलर 7 डेज कोर्स कराया जाता है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो रेगुलर यहाँ पे पॉजिटिव थॉट की क्लासेस भी कराई जाती हैं। मैं श्रोतागणों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाना चाहते हैं, परिवार में भी सुख और शांतिमय जीवन बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर राजयोग मेडिटेशन का ये 7 डेज कोर्स करने के लिए टाइम निकालें। सिर्फ 1 घंटा और 7 दिन कंटिन्यू अगर आप ये करेंगे तो ज़रूर आप राजयोग मेडिटेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये राजयोग एजुकेशन और राजयोग मेडिटेशन ही एक ऐसी टेक्निक है जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा ही सुख का सागर, शांति का सागर है। तो सुख शांति के सागर से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन सुख और शांति में बन सकता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़ों को ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो बड़ों को नहीं आती है। इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। विस्डम अलग चीज होती है। तो विस्डम और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होगा? विजडम और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होगा? क्योंकि ये हॉल विजडम हॉल है, इंटेलिजेंस हॉल नहीं है। जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है उसमें इंटेलिजेंस पर काम किया जाता है, नॉलेज पर काम किया जाता है, जिससे आईक्यू बनती है, आईक्यू बढ़ती है। लेकिन हमें कैसे दौर से गुजर रहे हैं, गुस्सा डर निंदा पूरी लिस्ट जो है वो आत्मा की शक्ति की कमी की निशानी है। तो विजडम क्या करती है, मैं आत्मा हूँ ये सिखाती है और फिर उस स्वरूप में स्थित होना सिखाती है। शक्ति, सुख, ज्ञान, प्यार, आनंद, वही चीजें जो दुनिया कह रही है चाहिए, विजडम कहती है ये तो आपका संस्कार है, है ना, संस्कार आपका। तो ये विजडम हॉल अर्थात जहाँ बैठ और वो परमात्मा के महावाक्य हमारी ये वाली शक्ति बढ़ाते हैं, वो वाली इंटेलिजेंस हमें यहाँ भरपूर करती है, विजडम हमें यहाँ भरपूर करती है। तो विजडम से सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो आता है वो है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। सब कुछ उनके पास आया जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो कहते सब कुछ आया लेकिन अंदर कुछ खाली खाली लगता है। बंदी छोड़ दिवस के बाद अमृतसर में निहंग सिंह जत्थेबंदियों द्वारा मोहल्ला मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बंदी छोड़ दिवस के बाद अमृतसर में निहंग सिंह जत्थेबंदियों द्वारा मोहल्ला मनाया गया। कर्तव्य रहे कि ये प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है। इसी श्रृंखला के तहत अमृतसर के शहीद गुरुद्वारा साहिब निहंग सिंह जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों ने घोड़ों पर बैठकर विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाए। इस दौरान संगत का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। वहीं निहंग सिंह जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आगे भी इसी तरह अपना जौहर दिखाते रहेंगे ताकि
आने वाली युवा पीढ़ी का उत्साहवर्धन हो, वही निहंग सिंह संगठनों और घुड़सवार निहंग सिंहों की प्रतिभा की जोहर देखने आई संगत ने कहा कि आज निहंग सिंहों को देखकर उनके मन में एक अलग तरह की प्रेरणा जागृत हुई है। अमृतसर से हलचल के लिए कैमरामैन सुनील खोसरा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश तना सिंह साहब जथेदार बाबा मेजर सिंह सोढ़ी जी जिन्हों के असी बाल दलबंध के उन्होंने ही पिछे जरा सा चलता आंदा मिशन ये फौजा वा मूले चक तो भी जड़िया पहुंचिया वा होर भी थावं थावं तो जड़िया आईया है तो सारिया आईया संगतों का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि साढ़े जोड़े अज जहेदार आसी उन्होंने वध के जिन्ना भी साढ़े तो करिए असी उन्ना भी थोड़ा है असी इन्हों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। सानू संत बाबा मेजर सिंह सोढ़ी जी होना वर्गा कोई भी जथेदार नहीं साडा मिलिया यहोजा कि जरा सानू साडे जिन्होंने शान बाण जी अज जी रंगरेटा पंथ की जगा दिती है बाबा मेजर सिंह सोढ़ी जी होना चरण कमलों में धोगे भी पील गए वह भी थोड़े आ क्योंकि साडे जथेदारा ने साडी इज्जत जरा पंथ की शान बाण पूरी वधाई ने इन्होंने मनो तनो साडे जी कौम का पूरा जरा संजोग जरा अच्छ वध्या ना जरा भी जो भी होंद सारी बाबा मेजर सिंह सोढ़ी संत बाबा मेजर सिंह जी होना ने जो किया ना इन्हों अज देन नहीं दे सकते क्योंकि दल पंथ जरा सा बहुत चलता आंदा जरा अज इन्हों के करके साडा मिशन बहुत ही जरा वा हो रहा है इस करके कि जिन्हें भी रंगरेटा पंथ के आ ते तुसी भाई आपां सिख बनिए गुरु दे क्योंकि बाबा मेजर सिंह जी इन्नी मेहनत मारते हैं कभी भी उन्हें अपना कभी जीवन के वेख्या नहीं है उन्होंने कुछ भी हो जाए परिवार के नाल उन्हें कभी पहला उन्होंने भी वेख्या सब तो पहला वेंदे तो दल पंथ दे सिंघां दे नाल चलते हैं हर थां ते हर कदम ते हर थां ते पहरा दिंदे ने कोई भी भीड़ बन जाए ठीक है भी नहीं आया जाता कि वक्त वह गल वक्री है पर बाबा जी को बहुत ही ज्यादा थावान पर नहीं जाया जाता क्योंकि थावान सारे थावान तो भुगत के उन्हें आना हों वा एक दिन मैं बाबा जी के कोल गया तो मैं कारपेंटर का काम करता हाँ तो बाबा जी के पड़ा से गया तो बाबा जी तड़के गए उस दिन 5 बजे के तो बाबा जी पड़ा करद पता नहीं किन्न क थावान तो बाबा जी उस वक्त 11:30 बजे रात आए तो बाबा जी होना मैं वेख के तो मेरे अखा के मेरे की रोन जरा एक मतलब हंजू जड़े खुशी नहीं चली गई कि एक इन्ना क पंथ के नाल प्यार करते हैं साडा सत्कार जे आखीए ना तो बाबा मेजर सिंह जी वर्गा कोई भी जथेदार पुरशा ने इतने आ गया जे दर्शन दीदारे दिते ने समुची निहंग सिंह फौजा छोटे भजंगी फौज अपने बच्चों नूं बाणी दे बाल बाणी दे लड़ लाओ अपनी आने वाले समय के बड़ा भयानक अपने बच्चों नशे तो दूर रखो पतीत पुने तो दूर रखो साडी दास दी इहो बेनती है कि जिनी देश विदेश बैठी है सिख संगत है नानक नाम लेवल सिख संगत है अपने बच्चों बाणी दे बाणी दे लड़ लाओ यो बेनती की जाती है बेनती दर प्रवान करो जिनी फौज आई है सारे साड़ी खाड़े वालों प्यार भरा सदा हुंदा है ते बेनती दर प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो सरबत संगतां नूं बंदी छोड़ दिवस दियां लख लख करोड़ करोड़ वधाइया। देखो आप जी किस तरह महाराज ने जाहो जलाल सजाया नीले बाने सारी फौज किस तरह महाराज की सोहनी लगती पी है ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे दल पंथ नूं खुशियां बख्शियां ने सारिआं नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ज्योत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 9 नवंबर को शहीद भगत सिंह कॉलोनी में होने वाले 33वें वार्षिक जागरण को लेकर जहां समस्त पदाधिकारियों की तरफ से तैयारियां जारी हैं वहीं इसी उपलक्ष्य में झंडे की रस्म अदा की गई व संकीर्तन भी किया गया तो वहीं जागरण के संस्थापक स्वर्गीय राजेश राजू स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता स्वर्गीय जोगिंदर पाल गगनेजा संजीव गुप्ता की प्रेरणा से करवाए जाने वाले जागरण की तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए प्रधान संदीप गुप्ता वाइस प्रधान हरविंदर सिंह सचदेवा कैशर शिवम गुप्ता ने बताया कि 9 नवंबर दिन शनिवार को शहीद भगत सिंह कॉलोनी में 33वां वार्षिक जागरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को होने वाले जागरण में पंजाब के प्रसिद्ध भजन गायक मुकेश इनायत एंड पार्टी जलंधर वाले भजन गायक अर्जुन सूरी दिल्ली वाले व कई भजन गायक तथा ओम आर्ट ग्रुप के कलाकार विभिन्न तरह की झांकियां पेशकर सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्रधान संदीप गुप्ता ने बताया कि जागरण में मां भक्तों के दर्शनों को लाई जाने वाली मां की पावन ज्योति ज्वाला धाम से लाई जाएगी। जागरण में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अनेक प्रकार के लंगर लगाए जाएंगे। इस अवसर पर सोसाइटी के संरक्षक सुदेश शर्मा जतेंद्र गुप्ता वरुण गुप्ता रमेश कुमार संदीप गुप्ता हरविंदर सिंह सचदेवा शिवम गुप्ता अंकुश संघवाल विनोद वधवा राजेश कुमार आर के अमित शर्मा सुभाष दीवान करण सैनी मनीष शर्मा दीपक कालिया अमित शर्मा प्रिंस ऋषि सहित
सोसाइटी के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश ट्रैवला की रिपोर्ट। माता दी आज भगत सिंह कलोनी विच एक जोत वेलफेयर सोसाइटी वालों 33वां विशाल वार्षिक भगवती जागरण जिस दे उपलक्ष्य विच अज दी झंडे दी रसम की गई है। तो 9 नवंबर नूं जागरण है तो जिस दे विच जलंधर दे मुकेश नायक जी, दिल्ली अर्जुन सूरी जी एंड अपना ओम आर्ट वाले झांकियां प्रस्तुत करेंगे। जय माता। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान राहुल आर्य व वरुण मदान ने पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियाँ डाली। इस दौरान राहुल आर्य के जन्मदिन पर विशेष आहुतियाँ प्रदान की गई। यज्ञ ब्रह्म मनुराग आर्य व पंकज जी ने यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पोटवन ने भक्तिमय भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं वैदिक क्रांतिकारी वक्ता अश्विनी डोगरा ने अपने संबोधन में कहा कि हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। वेदों से हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला, उसे अपनाना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। आर्य समाज के मंत्री सुनीत भाटिया ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, केदारनाथ शर्मा, हजारीलाल शर्मा, अनिल भसीन, कंचन भसीन, अशोक टंडन, विजय चावला, ईश्वर चंद्र, रामपाल चौधरी, हरिचंद, जसविंदर कालिया, उषा कालिया, कृष्णा कौंडल, लक्ष्य कौंडल, रश्मि मदान, गीता कुमारी, संध्या देवी, राजकुमार अरोड़ा, अमरनाथ, राजीव शर्मा, पुष्पा देवी, संगीता शिवम, बलराज मिश्रा, बैजनाथ, अमित सिंह, अनिल मिश्रा, अर्चना मिश्रा, ज्योति सिंह, रितेश कुमार सहित अन्य शहरवासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कौन जग रहा है जो जग रहा है, वो हमें ठग रहा है, सभी सो रहे हैं। जगना था जिसको वही सो गया है। हिंदुओं को बोल रहा हूँ, सुना जगनाथ था जिसको वही सो गया है। मेरे देश को दोस्तों क्या हो गया है। हीरा था जो जालंधर के किशनपुरा के अधीन आते पृथ्वी नगर में स्थित श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन कर एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस अवसर पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साय 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस करवाए गए हवन यज्ञ में आए हुए यजमानों ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित शर्मा, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जालंधर के कपूरथला रोड स्थित संन्यास आश्रम बाग बहरिया में स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज की पावन प्रेरणा से और
परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में 52वें विराट वेदांत सम्मेलन का आयोजन 3 नवंबर से 7 नवंबर तक किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा कर निकाली गई। इस अवसर पर भक्तों ने श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। इस 5 दिवसीय विराट वेदांत सम्मेलन में भारत के सम्मानित वेदांत शिरोमणि महामंडलेश्वर अपनी अमृतवाणी से उपस्थित संगत को कृतार्थ करेंगे। इस सम्मेलन का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और साय 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। वेदांत विराट सम्मेलन 52वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस धरातल पर जो आद्या जगदगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इस विद्या से पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी ज्योति जलाई जिससे व्यक्ति को वास्तव में जो यथार्थ है उसका ज्ञान हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अध्यात्म मार्ग अब छूटता जा रहा है। इस भौतिक जगत में दृश्य पदार्थों की ओर अधिक रुचि होने से, आर्थिक दौड़ अधिक होने से कुछ कुछ लगता है कि हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं कि हम वास्तव में अब हैं कौन। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा हम इसी बाहरी चकाचौंध के अंतर्गत ऐसे ही जीवन जीते रहे और जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे। कर्म जैसा जैसा करेंगे उसके अनुसार जैसी जैसी कामना होगी, जैसी जैसी इच्छा होगी, उसके अनुसार ये जन्म मरण का बंधन छूटने वाला नहीं है। जब तक कामना इच्छा तृष्णा की निवृत्ति नहीं होगी, एक उस परम पिता परमात्मा से अलग कुछ और हमको ना चाहिए, तब ये जीव आवागमन से छूट सकता है। नहीं तो ये प्रकृति 84 लाख योनि है, इसी में भरमाती रहेगी और हम भ्रमते रहेंगे। इसके लिए इस ज्ञान की जरूरत है आज समय के अनुसार, परंतु ऐसा भास नहीं रहा कि व्यक्ति अपने आप को जानने की चेष्टा करे। इसलिए महाराज ने 52 वर्षों से इस जलंधर में इस अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार किया। उसी ज्योति को लेकर हम उनके 2008 के बाद इसको लेकर चल रहे हैं। प्रयास है एक भी व्यक्ति अपने आप को यथार्थ रूप से पहचान ले कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तो ये यज्ञ सफल हो जाता है। हमारे कितने दिन का प्रोग्राम है? 5 दिन का। 5 दिन। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। खिंगरा गेट गोलीकांड में बड़ी सफलता, कमिश्नरेट पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। होशियारपुर के मोहल्ला न्यू फतेहगढ़ में चोरों ने घर को बनाया निशाना, घर का कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। बाबा विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला सेवा सभा की ओर से भगवान विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में करवाया गया विशेष समागम। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विश ने की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।